मक्का का फरीजा अदा कीजिए। अलवही टूर एंड ट्रेवल्स 2003 से हज और उम्रा इख्तिदामात एक जाना माना नाम है। अलवही टूर एंड ट्रेवल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड मेंबर्स ऑफ IATA। तशरीफ लाइए अलवही टूर एंड ट्रेवल्स को, रूबरू जामिया मस्जिद फर्स्ट फ्लोर, जेल रोड, अंदरून खिला, रायचूर। अभी कॉन्टेक्ट कीजिए 8867732524, 8197702524। आदाब नाजरीन। नाजरीन, मुहर्रम के दिन हुआ था एक अजीम व शान जलसा, जहां पर लोगों को मुहर्रम के बारे में तफसीली बयान किया गया था और मुहर्रम की अहमियत और उसके बारे में बहुत सी चीज़ें बताई गई थी। सैयद शेख ख्वाजा पीर कादरी के जेर सरपरस्त में ये जलसे को किया गया था। इस जलसे की सदारत हज़रत सैयद शाह अमीनुद्दीन कादरी कर रहे थे और इसके मेहमान खुसूसी थे हज़रत सैयद शाह अहमद पीर कादरी, और यहाँ पर बाकी दीगर हजरात भी मौजूद थे। 6 महीने की अभी असगर की मैयत उठाया और पहाड़ जैसे भाई अलम अब्बास अलमदार की लाश को भी उठाया। ये सारे मजालिम तुमने जो मुझ पर किए हैं सब बर्दाश्त किया। अब आखिर वक्त आया है कि अभी भी तुम रुकना चाहो तो रुक जाओ। मेरी शहादत से अपने हाथों को खराब मत करो। मेरी जान लेकर तुम अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। क्यों? अब तक तुमने जो शहादतें की हैं, जो कत्ल किए हैं, वो कत्ल का गुनाह इतना बड़ा नहीं है। अगर तुमने कत्ल अली अकबर का किया है तो अली अकबर का कत्ल करना कुफ्र है। अली अकबर का कत्ल करना कुफ्र है, उस कुफ्र की सजा मिलेगी। अली असगर का कत्ल करना कुफ्र है, उसकी सजा मिलेगी। अब्बास अलमबरदार का कत्ल किया है, उसकी सजा मिलेगी। ये कुफ्र है। और ये तमाम जितने भी कत्ल हुए हैं ये सब तुमने काम किए, गलत किए हैं। अब मेरे जिस्म से मेरी जान को जुदा मत करो, मेरा कत्ल मत करो। इसलिए कि अब तक के जितने कत्ल हुए, एक मोमिन का कत्ल हुआ है तुम्हारे हाथ से। मोमिन का कत्ल करना गुनाह है, वाजिबुल कत्ल है, वो भी वो कुफ्र है। तुमने जितने भी कत्ल किए हैं वो सब मोमिनों का कत्ल था। अब तक जितने भी कत्ल हुए उन सब कत्लों से तुम कुफ्र के दायरे में दाखिल हो गए। तुमसे कुफ्र हुआ, तुम गुनहगार हो गए। और तुम्हारी बख्शीश की अब गुंजाइश अभी भी बाकी है कि तुम इतने कत्ल करने के बाद अब भी अपनी तलवारों को रोक लो, मुझ तक ना आओ और मुझे जाने दो। जान मैं चाहता हूं या मुझसे यजीद के साथ मामला करने दो या फिर मुझे आगे बढ़ जाने दो। मुझे कत्ल मत करो, मुझे छोड़ दो। अगर छोड़ोगे तो कल हशर के मैदान में अपने ना जान से कहकर तुम सबकी बख्शिश करा दूंगा, तुम्हारे लिए शफाअत का दरवाजा खुलवा दूंगा। मुझे कत्ल मत करो। क्यों? इसलिए कि उनका कत्ल करना एक मोमिन का कत्ल था और मेरा कत्ल करना पूरे दीन का कत्ल करना है। और दीन का कत्ल करने वाले के लिए ना बख्शिश है ना शफाअत है। इसलिए तुम मेरे कत्ल से रुक जाओ। तब उनसे कहा तो उनके ऊपर शैतानियत तारी थी, वो जालिम थे और फिर अपनी तलवारों को म्यान से निकाले हुए थे। उनकी तलवारें आपके खून की प्यासे थी और फिर सबके सब आप पर टूट पड़े। क्या था कि आपने भी अपनी तलवार को अपनी म्यान से बाहर निकाला। फिर तलवार चलने लगी। कैसे चली? तलवार चलती रही, ऐसे चली कि रुकती नहीं थी। जिस तरफ से शुरू हो जाती थी तो उस तरफ की पूरी सब को खत्म कर देती थी। सफरों के सब दरहम बरहम हो रहे थे, सर गाजर मूली की तरह कट कट के गिर रहे थे। मैदाने कर्बला का नक्शा बदल गया था, सब में हैरत तारी हो गई थी, सबके दिलों में खौफ तारी हुआ था। अरे तलवार रुकती न थी, वो तलवार थी या कहर इलाही था, वो तलवार थी या गज़ब इलाही था, वो तलवार थी या अल्लाह का अज़ाब था जो तमाम दुश्मनाने हुसैन पर टूट पड़ा था। वो कैसा वक्त था कि तलवार चलती रही, जमीन और आसमान थर्राने लगे, आसमान के सितारों की चमक उस तलवार की धार में आ गए थे। अल्लाह की जानिब से बिजलियों की कड़क वो तलवार में पूरी तरीके से पैवस्त हो गई थी। तलवार निकलती थी तो बिजली की कड़क की जैसी आवाज आती थी। सनसनाती हुई तलवार गर्दनों को काटती हुई किसी को पेट से, किसी को पीठ से, किसी को हाथ से, किसी को पैर से
टुकड़े टुकड़े करती हुई उस मैदान में फिर रही थी। तलवार चलती न थी, हजारों के हजारों टूट पड़े, फिर भी तलवार रुकती न थी। तीरों की बारिश थी, तलवार रुकती न थी। क्या था? ग़ज़ब-ए-इलाही था या जलाल-ए-मुस्तफा था? मैदान-ए-करबला में पूरों के ऊपर टूट पड़ा था, सब पर कहर ताली था, सबको सांप सूंघ गया था। हाथों में तलवार लेकर हजरत इमाम अली मुकाम की तलवार को देखते हुए थर्राते हुए रह गए थे। अब तलवार रुकने का नाम नहीं लेती। अब ये रोके तो इसको कौन रोके? किसकी मजाल है, किसकी ताकत है कि वो सैफुल्लाह को रोकने की मुजरात करे? वो अल्लाह की तलवार है, वो मुस्तफा की तलवार है, मौलाए कायनात की तलवार है। उसमें जलाले अली भी है, जलाले मुस्तफा भी है, और उसमें पहले खुदाबंदी भी है। वो तलवार जब फिरने लगी तो रोकने की ताकत और ताप किसी में न थी। फिर चलते चलते वो तलवार अचानक रुक जाती है। क्यों? अजान की आवाज आपके कान में पड़ती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये आवाज सुनना ही था कि तलवार को रोक लेते हैं और तलवार को जमीन में मारते हैं और उसी तलवार के सहारे पर खड़े हो जाते हैं। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, ऐ ईमान वालों, जब तुम्हें मदद की जरूरत पड़े तो तुम नमाज और सब्र के जरिए मदद तलब करना। अल्लाह की मदद तलब करने का वक्त आ गया था। अब तक जो लड़ रहे थे, अब तक जो मामला था वो सब्र का था, अब नमाज का मामला आया। तो आप तलवार को जमीन पर रख दिया, उसके बाद अब नमाज के लिए सरे अकदस को जमीन पर झुका दिया। जालिमों ने हमला किया, कैसा हमला किया कि हुसैन अली इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला के सरे अकदस को जिस्मे मुबारक से जुदा कर दिया। सनसनाते हुए तीरों की गुजार हुई। फिर आप सरे अकदस को सजदे में रखे हुए हैं, उसी हालत में शिमर जिल जोशन नाम का एक शख्स आपके जिस्मे मुबारक से आपके सरे अकदस को जुदा कर देता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक अबला कुत्ता मेरे नवासे के खून में मुंह डालता हुआ मुझे नजर आया। तो सरकार यह हदीस फरमाए, अबरक के माने हैं परस की बीमारी वाला, कोढ़ की बीमारी वाला। उस कोढ़ की बीमारी वाले को मैं देख रहा हूँ कि मेरे बेटे हुसैन के मुंह में खून में मुंह डालकर चाट रहा है। मैंने कुत्ते को देखा। तो सरकार जो हदीस बयान फरमाई थी, ये वही शख्स था जिसके जिस्म पर कोढ़ फूटा हुआ था। इसने अपने हाथ से तलवार निकाली, सरकार इमाम अली मुकाम रजी अल्लाह तआला के सरे मुबारक को आपके जिस्म से जुदा कर दिया। और उस वक्त दोनों आलम के मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजारा कर रहे हैं उस मैदान कारजार में। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। अंदाजा करो कि वो वक्त रसूल पाक के लिए कितना गिरा गुजरा होगा। और जिस रसूल ने उन होठों को बोसा दिया, वो रसूल ने जिस गर्दन को बोसा दिया, जिस गले को बोसा दिया, उस बोसगाहे मुस्तफा को इन जालिमों ने काट दिया। वो बोसा लेने वाली जगह जहां रसूलुल्लाह अपने दोनों होंठ रखकर बोसा देते थे, होंठों में होंठ रखकर बोसा देते थे, कभी रसूल पाक अपनी जुबान अकदस इमाम हुसैन के मुंह में डालकर उनको कहते थे कि जितना चाहो पी लो, जितना चाहो ले लो, ये कहते थे। वो प्यारा हुसैन जो रसूल के मुंह में मुंह डालकर जुबान चूसता था, वो हुसैन तीन दिन का प्यासा उस मैदान कारजार में अब बेयार और मददगार होकर गिर पड़ा है। और कुरान मजीद की आयत अपने इस मुकाम पर जाकर तकमील को पहुंचती है कि सारी जिंदगी सबर करते रहे, मैदान में भी आए सबर करते रहे, सबर के जरिए से अपने किरदार को पेश किया। और ईमान किसे कहते हैं वो बताया, न सिर्फ अपने अहले बैत को बचाया बल्कि पूरे दीन रसूल को बचाकर बतला दिया कि ये सब नहीं करता तो आज शरीयत बाकी नहीं रहती, वो सब नहीं करता तो आज इस्लाम बाकी नहीं रहता। उनका सदका है कि आज इस्लाम बाकी है और उन्हीं के सदके में आज हम अब तक बाकी हैं। अल्लाह ताला से हमारी इल्तिजा है कि परवर